राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। दोस्तों आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है रात से शुरू हो रहा है, जो आप लोग देख सकते हैं कल जहाँ से समाप्त हुआ था उसके आगे से ये ब्लॉग शुरू है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे लोग खाना खा चुके थे और फिर मैं आ जाती हूँ बर्तन धुलने के लिए। वैसे भी मैं रात में डेली बर्तन धुलती हूँ, वरना सुबह में उठने में लेट भी हो जाता और बर्तन नहीं धुला रहेगा तो खाना बनने में भी लेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं बर्तन धुलने के लिए आ गई हूँ और यहाँ पे अंधेरा है, तो आप लोग अंधेरे को इग्नोर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बाहर लाइट नहीं इसलिए मैं ज़्यादा बाहर का क्लिप नहीं दिखाती हूँ। फिर भी सोची चलो दिखाना है तो थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ, अंधेरे की वजह से मैं जल्दी रिकॉर्ड भी नहीं करती हूँ। और उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा बर्तन जो है धुला चुका है, थोड़ा बहुत और धुलना है मुझे। वैसे भी अंधेरा लग रहा था और मुझे तो बाहर जल्दी आने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि इस टाइम रात के 10 बज रहे हैं और मैं डेली इसी तरह रात में आती हूँ बर्तन धुलने के लिए, और ठंड का मौसम है और बाहर आने का मन भी नहीं करता और बहुत ज्यादा डर भी लगता है, इसलिए मैं अपना जल्दी जल्दी बर्तन धुल कर अंदर चली जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा बर्तन धुला चुका, अब मैं चलती हूँ किचन में रख देती हूँ बारी बारी से लाकर सारा बर्तन। तो मैं यहाँ पे एक बार बर्तन ला चुकी हूँ और फिर मुझे बाहर जाना है दोबारा से बर्तन लाने के लिए, और फिर मैं बर्तन रख दूंगी लाकर। फिर मुझे जो है गाय को अभी चारा भी डालना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही हूँ। तो मेरा बर्तन भी धुला चुका, अब मैं चलती हूँ अपने गैया को चारा डालती हूँ। वैसे भी मैं अपने गैया को दिन भर में कितना भी खिला दूँ, लेकिन जब भी मैं बर्तन धुलने जाती हूँ तब मेरी गैया जो है बोलने लगती हैं, उनका डेली का काम है। अगर मैं बर्तन धुल कर बिस्तर में भी आ जाती हूँ तब भी मेरी गैया जो है बोलने लगती है कि अभी तक हम लोग को चारा क्यों नहीं डाली है, इसलिए मैं अपने गैया को चारा डाल देती हूँ जब भी बर्तन धुल लेती हूँ। उसके बाद तुरंत आती हूँ, सबको चारा डालती हूँ, और जो गैया हमारी बड़ी वाली है जो दूध देती है उसे मैं पहले डालती हूँ, उसे चारा भी डाल दूँगी और साथ में पानी भी पिला देती हूँ और चोकर भी खबर देती हूँ। वैसे भी वो बेचारी दूध देती है, अगर ये सब नहीं उसे खिलाएंगे तो वह पतली दुगली भी हो जाएगी और बीमार पड़ जाएगी, इसलिए हम लोग पहले ही उसे चोकर वोकर खबर देते हैं कि वह भूखी न रहे, और उसे डाल देते हैं। और उसके बाद छोटी गैया जो है तो उन सबको भी डाल देते हैं, वरना वो सब भी बोलने लगती है, इसलिए साथ में तीनों को मैं डाल देती हूँ। मैं अगर अपने बर्तन धुलने से पहले भी उन सबको कितना भी खिला लूँ, लेकिन वो सब ऐसी है कि जब भी मैं बर्तन धुल लेती हूँ उसके बाद फिर से बोलने लगती है, क्योंकि उन सबको आदत हो गई है जब भी मैं बर्तन धुलती हूँ वैसे ही वह सब बोलने लगती है और मुझे उन सबको डालना ही पड़ता है। तो मैं उन सबको चारा और पानी डाल चुकी हूँ और उसके बाद मैं आ जाती हूँ अंदर किचन में। आप लोग सोचेंगे कि मैं बाहर का क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि बाहर जो है अंधेरा है इसलिए मैं बाहर का क्लिप ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड की हूँ। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने किचन को लीपने के लिए। वैसे भी एक हफ्ते में दो बार मैं लीपती हूँ पूरा किचन, तो आज मैं पूरा किचन लीपूंगी, और सुबह के टाइम तो मैं आधा किचन ही लीपती हूँ। मैं इसलिए आधा किचन लीपती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम मेरी बहन जो है सब गैया को चारा वारा डालती है, और बगल में ही हमारा जो है भूसा वाला घर है तो वहीं से सब आती जाती है। अगर मैं सुबह में सारा लीपती किचन तो सब इधर उधर जाती और जो लीपा हुआ रहता है वह पूरा ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं हफ्ते में दो बार रात के समय ही लीप देती हूँ पूरा किचन, जिससे वह मतलब उछड़ेगा भी नहीं और मतलब ख़राब भी नहीं होगा रात के समय लीपूंगी तो, और सुबह के समय जो है अपना सूख भी जाएगा और सारा काम भी हो जाएगा। वरना सुबह के समय लीपती तो कोई काम भी नहीं हो पाता और खाना भी सही से नहीं बन पाता, और सब्जी वब्जी भी मैं इधर ही कट करती हूँ तो वो भी नहीं हो पाता जब तक सूखता नहीं, इसलिए मैं रात के समय ही लीप देती हूँ। वैसे भी किचन जो है काला काला दिख रहा था और अच्छा भी नहीं लग रहा था, और 3-4 दिन हो गया था लीपे हुए, तो मैं सोची चलो आज पूरा किचन लीप देती हूँ, जिससे फ्रेश भी दिखेगा और सुंदर भी लगेगा किचन हमारा। तो मैं मटकी में पीली मिट्टी पहले से ही भिगो कर रख दी थी और उसके बाद अपना किचन जो है लीपने में लग जाती है, और आप लोग भी देख सकते हैं कितना फ्रेश लग रहा है लीपने के बाद। और दोस्तों मैं आप लोग को एक बार बताऊँ, मेरे किचन में जो है ज़्यादा सीलन रहता है, कहीं से धूप ऊप आता ही नहीं, इसलिए काला काला ही दिखता है, और लीपने के बाद भी थोड़ा बहुत वैसे ही दिखता है, लेकिन जब ये सूख जाता है तो बहुत ही फ्रेश दिखता है और चिकना दिखता है, तब अच्छा लगता है। और हम लोग इसलिए जल्दी लीपते भी नहीं है क्योंकि इस किचन में जो है बहुत ज़्यादा सीलन रहता है और जल्दी सूखता भी नहीं है। जब भी मुझे किचन जो है पूरा लीपना रहता है तो मैं रात के समय ही लीपती हूँ, जिससे सुबह में आराम से सूख भी जाएगा और मैं खाना भी अच्छे से बना लूँगी।
तो देखिए दोस्तों, हमारा किचन जो है लिपा चुका है और कितना अच्छा लग रहा है, पीली मिट्टी से लिपा हुआ और कितना फ्रेश भी लग रहा था। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा किचन कैसा लग रहा है लिपने के बाद। अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं किचन लिप चुकी थी और उसके बाद बाहर आ जाती हूँ तो यहाँ पे मैं मम्मी को दवा दी हूँ। मम्मी अपना दवा खा ली और पापा बोल रहे थे कि मच्छरदानी लगा दो इसी समय, तो मैं यहाँ पे मच्छरदानी भी लगा देती हूँ और उसके बाद जाऊँगी अंदर सोने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये सुबह का क्लिप है और मैं रात में किचन को लीपी थी और देखिए कितना फ्रेश लग रहा है और किचन जो है बहुत ही साफ लग रहा था और चमक भी रहा था, मुझे तो बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। दोस्तों आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं किचन में आ गई हूँ, मैं चलती हूँ दोनों पतीली जो है लेप लगा देती हूँ। आज मेरे घर बनेगा दाल चावल चोखा रोटी। तो देखिए यहाँ मैं पतीली ले चुकी हूँ, तो यहाँ बाहर से था इस पर लेप लगा कर भी लेकर आ गई हूँ। और मैं चलती हूँ बाल्टी में पानी लेने के लिए, क्योंकि रात के समय बाल्टी में पानी रखी थी और फिर सुबह के समय तो ताज़ा पानी लाना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देखिए मैं पानी लेकर आ गई हूँ बाहर से, अब मैं चलती हूँ इसमें अदान डाल देती हूँ। तो मैं चलती हूँ अब भदेले में पानी डाल देती हूँ जितना जितना पड़ेगा। वैसे भी दाल चावल बनेगा तो चावल में तो थोड़ा ज़्यादा ही पानी रहेगा और दाल में कम रहेगा, क्योंकि दाल जब चूर जाता है तो उसमें दोबारा से पानी डाला जाता है। तो मैं यहाँ पर दोनों में पानी भी डाल देती हूँ और फिर चलती हूँ दूसरा काम करने के लिए। उसके बाद देखिए मैं बाहर आ चुकी हूँ किचन में से, तो पापा बोल रहे थे कि इस बछरू को छोड़ दो मैं गैया लगा लेता हूँ। तो पापा जा रहे अपने गैया लगाने के लिए और फिर से मैं आ जाती हूँ किचन में। तो यहाँ पे देखिए भाभी भी आ चुकी हूँ ऊपर से और ये जो है आग जलाने जा रहे हैं चूल्हे में, और मैं यहाँ पे चाय भी दे देती हूँ। एक तरफ मेरा जो है दाल बनेगा और एक तरफ चाय रखाएगा, क्योंकि सुबह सुबह सब कुछ चाय ही चाहती है, तो इसलिए हमारे घर जो है पहले चाय ही बनता है और उसके बाद जो है खाना बनता है। तो भाभी चूल्हे में आग जला रही हैं और मैं आती हूँ इधर दूसरे साइड। तो आज मेरे घर चोखा बनेगा, मैं चोखा की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बैंगन ले लेती हूँ, टमाटर ले लेती हूँ, और मम्मी खेत से ही बैंगन लाई थी। मैं उस वीडियो में बोल रही थी कि बैंगन और ये बटुए का सब्जी बनेगा, तो वह नहीं बनेगा, बैंगन का जो है चोखा बनेगा और बटुए का दाल आज हमारे घर बनेगा। उस वीडियो में मुझसे गलती से निकल गया था कि बटुए और बैंगन की सब्जी, लेकिन वह नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं बैंगन ले लेती हूँ 5-6, और उसके बाद टमाटर भी 4-5 ले लेती हूँ। जब ये सब ज़्यादा रहता है और खट मीठ लगता है तो बहुत ही अच्छा चोखा लगता है। पापा बोल रहे थे कि घर पे ही है तो थोड़ा ज़्यादा ही लेकर बनाना, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ये दोनों चीज़ ले ली। और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जिस रूम में हम लोग सोते हैं, तो यहाँ पे आलू रखे हुए थे, तो मैं छोटा छोटा आलू यहाँ से ले लेती हूँ और फिर इसी को चलती हूँ मशीन पे धोने के लिए। अभी तो मैं आलू ही ले रही थी क्योंकि उसे में छोटे भी आलू थे और बड़े भी आलू थे, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा आलू लूँ, लेकिन मीडियम साइज़ का आलू लूँगी तो जल्दी चूर जाएगा, वरना बड़ा बड़ा आलू रहेगा तो जल्दी नहीं उबलेगा। तो यहाँ पर मैं छोटा छोटा ही आलू ली थी जिसे जल्दी से उबल भी जाएगा। तो मैं आ गई हूँ बाहर मशीन पे धोने के लिए, और इस आलू में जो है बलुई मिट्टी है तो इसे साफ से धोना ज़रूरी है। तो मैं ये भगोना ली थी, ये छोटा था, मैं सोची चलो इसी कढ़ाई में उबलेगा तो इसी में धुल लेती हूँ और उसके बाद जो है इस भगोने में रख दूँगी छान कर। तो यहाँ पे देखिए मैं एक बार कढ़ाई में धुल चुकी हूँ अच्छे तरह से, और फिर आ जाती हूँ दोबारा से भगोने में धुलने के लिए, वरना ये आलू जो है उबलता है तो फूट जाता है, तो उसी में सारा मिट्टी चला जाएगा और खाना मुँह में भी नहीं जाएगा। उससे अच्छा है कि आलू को अच्छे तरह से साफ कर लो, और ये अच्छे से साफ हो जाएगा तो इसमें मिट्टी भी नहीं रहेगी और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा जब चोखा बनेगा। तो मेरा आलू भी धुला चुका है और इसी कढ़ाई में उबलेगा, तो मैं इकट्ठा पानी भी ले लेती हूँ और उसके बाद चलती हूँ भाभी को दे देती हूँ। तो मेरा चाय भी बन चुका था, तो मैं भाभी से बोली पहले आलू रख दीजिए, कह रही थी नहीं चावल रख देंगे उसके बाद जो है आलू उबला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ दाल बन रहा है और दूसरी तरफ चावल बन रहा है, तो मैं भाभी को जो है चावल भी दे देती हूँ और फिर भाभी जो है थाली में लेकर अपना बीनती है। और मेरी छोटी बहन भी आ गई स्कूल से, तो वो अभी अपना चाय ले लेती है, और ये दीदी की लड़की थी तो ये भी चाय मांग रही थी, मैं इसे भी दे देती और उसकी छोटी वाली बहन को उसके नेपल में दे देती हूँ, क्योंकि वह छोटी है तो उसी में पीती है, जैसे मेरा बाबू अपने नेपल में ही दूध पीता है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं बथुए भी एक थाली में कट करके रख दी हूँ, उसे भी धुल लेती हूँ, और ये बैंगन और टमाटर का जो है चोखा बनेगा तो उसे भी साथ धुल लेती हूँ। आज तो बहुत ही मज़ा आएगा खाना खाने में, लेकिन मुझे लग रहा है कि खाना आज मेरा नहीं बन पाएगा क्योंकि इतना सारा पकवान बन रहा है और मुझे कॉलेज भी जाना है, और मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी करूँ और खाना बन जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज खाना नहीं बन पाएगा और बिना खाए हुए ही मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा।
क्योंकि इस टाइम जो है हमारी आग अच्छे से जलती ही नहीं है और ये कंडे जो है थोड़ा बहुत ओद है और लकड़ियाँ भी ओद है, बारिश हो गई थी उधर इसलिए आग अच्छे से जलते ही नहीं और खाना बनने में भी लेट हो जाता है। और देखिए ये बथुआ जो है मम्मी खेत से लाई थी तो ये कट करके मैं इसे भी अच्छे से धो लेती हूँ क्योंकि खेत में भी बलुआई मिट्टी है, अगर बथुआ अच्छे से नहीं धोलेंगे तो ये भी किरकिराने लगेगा और जो है दाल में पड़ेगा तो वो भी नहीं खाने में आएगा, इसलिए मैं बड़े वाले भगोने में इसे भी छान लेती हूँ जिसे ये साफ से धुला जाए। तो आप लोग देख सकते हैं मैं सब कुछ धुल कर देती हूँ भाभी को, भाभी अभी तक चावल भी बिन रही है और मैं चलती हूँ ये भगोने का पानी है जो है अपने गैया को डाल देती हूँ क्योंकि ये पानी जो है उसके लिए बहुत ही फायदा होता है। और उसके बाद मैं दोबारा से पानी लेकर आती हूँ, किचन में रख देती हूँ, कुछ भी काम पड़ेगा तो भाभी अपना यूज कर लेंगे। और वैसे भी मेरी दोनों बाल्टी में दूध रखा हुआ है इसलिए वह सब दोनों फंसी हुई है, अब मैं चलती हूँ आटा गूंथ लेती हूँ। उसके बाद हमारा चाय भी बन गया था और पापा अभी दूध देकर आए ही नहीं थे क्योंकि जब पापा आते तभी सारे लोग चाय पीते हैं और मैं उसके बाद जो है आटा गूंथने में लग जाती हूँ, मैं इसलिए आटा जल्दी जल्दी गूंथ रही हूँ कि मुझे कॉलेज जाने में लेट ना हो जाए। वैसे भी जब भी आग नहीं जलती और खाना लेट बनता है तो मुझे कॉलेज जाने में भी लेट हो जाता है, जब भी मैं अपने कैंपस में पहुँचती हूँ और रूम में जाना पड़ता है तो मुझे दौड़ते हुए जाना पड़ता है और लेट भी हो जाता है। उसके बाद सर की डांट भी सुनना पड़ता है इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लेती हूँ और फिर अपना कॉलेज जाती हूँ। तो देखिए हमारा आटा भी गूंथा चुका है और मैं चोखा बनने वाला जो है सामग्री वो भी तैयार करके दे रही हूँ भाभी को और ये आटा भी दे देती हूँ और उसके बाद चलती हूँ मैं बाहर। मैं जैसे ही बाहर आती हूँ वैसे ही यहाँ पे आप लोग देखिए दीदी की लड़की और मेरा बाबू कैसे आपस में झगड़ रहे हैं। मेरा बाबू तो सबको ऐसे ही नोच डालता है और छोटे बच्चों के साथ उसे बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन जब भी छोटे बच्चे उससे दूर जाते हैं तो वह रोना भी लगता है, लेकिन इन सबको हमेशा मेरा बाबू जो है रुला ही डालता है, भले ही छोटा है लेकिन इससे सारे बच्चे जो है डरते हैं और ये छोटी बच्ची भी डर रही थी मेरे बाबू से, लेकिन मेरा बाबू जो है इसके साथ बहुत ही मगन हो रहा था और खेल रहा था, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था इस छोटी बच्ची के साथ। इधर ये दोनों आपस में खेल रहे थे, उसके बाद देखिए पापा भी आ गए हैं दूध देकर, बहुत दूर जाना पड़ता है दूध देने के लिए इसलिए पापा को आधे एक घंटे लग जाता है वापस आने में। तो यहाँ पे देखिए पापा भी वापस आ गए हैं और मेरी छोटी बहन ये भी अपना ट्यूशन से आ गई और फिर बाबू को घुमाने लगती है और बाबू जो है पापा के पास ही जाता है, लेकिन पापा जब ये छोटी बच्ची को ले लेते हैं तो मेरा बाबू जो है बहुत ज़्यादा ही चिढ़ता है कि बाबा जो है इसे क्यों ले लिया और उसे हटाना चाहता है, और बाबू देखे फिर पापा के गोद में चला जाता है और ये छोटी बच्ची भी गोद में पापा के है तो इसलिए बाबू चिढ़ रहा था कि ये बाबा की गोद में क्यों है, मैं बाबा की गोद में रहूंगा, तो पापा जो है उसे हटा देते हैं। तो देखिए बाबू कैसे मगन होकर खेल रहा है पापा की गोद में। उसके बाद मैं चली जाती हूँ अपना कॉलेज, मुझे तो लेट हो रहा था। और ये देखिए ये दीदी जो है आज चोखा बना रही, मैं सब कुछ कर दी थी और भाभी जो है उबाल दी थी आलू, तो यहाँ पे ये दीदी जो है चोखा बना रही है। और दोस्तों जिन जिन लोगों को चोखा पसंद है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, जब भी इसमें बैगन आलू टमाटर सब कुछ पड़ता है और धनिया पिसी हुई पड़ती तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, तो सब कुछ मिक्स हो गया और उसी का हमारे घर चोखा बन रहा है। आप लोग को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी कि किस किस को चोखा पसंद है क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चोखा बनकर पूरी तरह से रेडी हो चुका है और ये दीदी जो है अब प्लेट लगा रही हैं, तो दोस्तों आइए आप लोग भी भोजन कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का भोजन हमारा कैसा बना है क्योंकि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद रहता है जब भी दाल चावल चोखा बनता है, खासकर जब बथुए वाला दाल रहता है तो ज़्यादातर यूपी वालों को पसंद रहता है, तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद पापा जो है बैठ जाते हैं अपना खाने के लिए, आज तो मैं खा भी नहीं पाई क्योंकि मैं कॉलेज चली जा आती हूँ और जब कॉलेज से आती हूँ वापस तब मैं भोजन करती हूँ। और दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जिसे मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग कमेंट करते हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि उनको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, इसलिए मैं उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं और जो लोग कमेंट करते हैं।
उसके बाद दीदी जो है अपने बच्चे को दूध दे देती है, और फिर यहाँ पे मम्मी को भी खाना दे चुकी है, तो मम्मी और दीदी जो है खाने में लग जाती है, और मम्मी को बहुत ही ज़्यादा पसंद रहता है जब भी बथुए वाला दाल बनता है। और दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।